तो दोस्तों काफ़ी लोग मतलब क्या होता है प्रोजेक्ट तो बना लेता है एफएल स्टूडियो में, लेकिन प्रोजेक्ट को सेव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मान लिया आप कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, मान लिया आप कोई भी म्यूजिक बनाते हो, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ करके, ठीक है। ओके, मैं मतलब जस्ट दिखाने के लिए आपको, मतलब समझाने के लिए, सॉरी, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मान लिया मैं एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, मान लिया एक मैंने बनाया, ये म्यूजिक बनाया। तो ये म्यूजिक को हम सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेव करते हैं। तो यहाँ पे सेव करने से आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे मैं फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे वीडियो वीडियो क्लिप यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो मान लिया मैं इसे किया सेव, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा। अभी अभी देख सकते हो यहाँ पे मैं भी ट्रायल मोड में हूँ, तो कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से भी म्यूजिक बना सकते हो। तो उसके लिए आप इसे खरीदने का जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आप देख सकते हो ये जो आपका मैं दिखा देता हूँ, और मेरा फोल्डर को ओपन करके, तो कहाँ पे था, ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका क्लिप है, इसे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करता हूँ तो ये आपका यहाँ पे देख सकते हो, ये ओपन नहीं होगा, ये ऐसे खरीदने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आप इसे कैसे यूज करोगे? तो इसे सिंपली आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो है आपका, इसको करना है क्या है, इसको एडिट करना है और इसे MP3 बना देना है, ठीक है। MP3 तो बनाना है, तो आप देख सकते हो ये बन गया है MP3। तो इसे आप प्ले करते हैं, तो आप देख सकते हो वी कांट ओपन बता रहा है, ठीक है। तो इसे आप प्ले नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे देख सकते हो नहीं कर पाओगे। तो आप इसे MP3 बनाने के लिए क्या करोगे, मैं फिर से वहाँ पे जाता हूँ एफएल स्टूडियो में, इसे सेव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया म्यूजिक। तो इसे हम करते हैं सेव। तो सेव आप करोगे ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, MP3 बनाना है, MP3 एक्सपोर्ट करने का टाइम में करना है सेव। तो मैं फोल्डर सिलेक्ट नहीं किया था, तो ओके, मैं फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, क्योंकि कहाँ चला जाएगा फिर ढूंढना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो मैं इसे कर लेता हूँ MP3, MP3 एंटर एंटर। तो ये हो गया सेव। मैं जाता हूँ फिर फोल्डर पे, तो अब देखो यहाँ पे जो सेव हुआ, यहाँ पे देख सकते हो ये सेव हो रखा है, ठीक है। तो इसमें मैं करता हूँ ओपन, तो आप देखो यहाँ पे बजने लगा है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो प्ले का ऑप्शन आएगा, ये देखो ये बज रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा करके आपका जो भी म्यूजिक है उसे एक्सपोर्ट कर पाओगे, और इजीली उसे म्यूजिक में कन्वर्ट करके आप सुन सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा, अगर आपको कुछ सीखने वाला तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ सीखना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही, फिर मिलते हैं।